वैक्सीनेशन लिया है, कैसा अनुभव करें? जब पहली बार जब वैक्सीनेशन हम लोग लिए थे तो कुछ ऐसी शरीर के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई, वो कोई दिक्कत नहीं हुई है। वैक्सीन जो है वो बहुत ही सेफ है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। कुछ लोगों में देखा गया है जो भी बहुत ही कम लोगों में कि थोड़ा बहुत बॉडी गर्म होना है, थोड़ा सा जो हाथ में थोड़ा सा दर्द होता है, बाकी इसके अलावा कोई समस्या नहीं होती है। तो ये सेफ है। हम लोग जो आज जो है मेरे द्वारा जो कुछ पदाधिकारी जो हम लोग के साथ जो पहला वैक्सीनेशन लिए थे, हम लोगों ने आज दूसरा डोज दिया है। इसके अलावा जो है हम लोगों का अभी जो चल रहा है थर्ड फेज चल रहा है, इसमें जो हम लोगों के 60 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं, 40 से 50 के बीच में जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भी वैक्सीनेशन जो है लिया जा रहा है। तो वो सेफ है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितने से जितने लोग हैं वॉलंटियर आएँ और हम लोगों का सभी PHC में वैक्सीनेशन शुरू हो। तो ये निरंतर प्रक्रिया हम लोगों की चलती रहे। जो सावधानी बरतनी है उसी बरतें, और साथ साथ जो हम लोगों की जो लड़ाई है वैक्सीनेशन के माध्यम से, हम लोग ये निरंतर हैं। सर, वैक्सीनेशन के बाद भी क्या कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी है? देखो, क्योंकि पहला जो जब आप डोज लेते हैं तो उसके बाद भी क्योंकि काफ़ी दिन होते हैं जिसमें आपको संक्रमण की संभावनाएँ बनी रहती हैं, इसलिए इसमें 2 डोज दिया जा रहा है। दूसरा डोज के बाद भी जो है वो कोविड के जो नियम हैं उसका पालन करना चाहिए। और ये क्योंकि जो साइंस में आप पता है कि वो हम लोगों का सेफ वैक्सीन है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है वो सेफ्टी बरतने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर, आम लोगों को कब तक उम्मीद है कि वैक्सीनेशन मिलने लगे? अभी जो थर्ड फेज हम लोग हैं, आम लोगों का मिलना शुरू हो गया। कल भी जो हम लोग परसों जो है इंटरनेशनल जो वुमेंस डे है उसमें जो है वो हम लोग महिलाओं को जो प्रति प्रखंड हम लोगों का लक्ष्य रखा है कि 500 महिलाओं को प्रति प्रखंड कुल है लगभग 5500 महिलाओं को हम लोग जो है वैक्सीनेशन जो है जीविका के माध्यम से हम लोग वो करा रहे हैं। तो ये आम लोगों को मिलना शुरू हो गया।